बहुत दिनों तक लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद आपका वेट लॉस रुक चुका है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों रुक जाता है वेट लॉस, और क्या करने से और भी ज़्यादा वज़न घटाया जा सकता है वेट लॉस रुकने के बाद भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में, देखेंगे आज के एपिसोड में। मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। पिछले वीडियो में मैंने लेप्टिन हार्मोन के बदले ग्रेलिन हार्मोन बोल दिया था, उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते बॉडी खुद को एडजस्ट कर लेती है जो हमें डाइट मिल रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। सोचिए यदि आप एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, मान लीजिए कम ही खा रहे हैं, और डेली सेम टू सेम करते जा रहे हैं महीनों तक, तो कहीं ना कहीं आके उसे रुकना चाहिए ना। वरना यदि रोज़ वेट घटता ही जाएगा तो कई सालों बाद आपका वज़न ज़ीरो नहीं हो जाएगा, सही कहा ना। तो होता यह है कि वज़न ज़ीरो होने के बदले एक जगह आके रुक जाता है, मतलब इससे नीचे वज़न अब नहीं गिर सकता इस डाइट पे। तो डेफिनेटली इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आप अपनी डाइट चेंज कर दें। जो भी चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उससे आपका वज़न बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी कम कैलोरीज ले रहे थे, अब इससे भी कम लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारी डाइट भी चेंज हो जाए और कैलोरीज भी कम ना हो। ये हम कैसे करेंगे? एक तरीका है, वो है ओमैड या वन मील अ डे, जिसे मैं कहता हूँ साधो डाइट, क्योंकि जो लोग साधु होते हैं वो दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं, और हमें भी इस मील में एक बार ही खाना है। घबराने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में 3 meals a day लेते थे, मतलब एक दिन में 3 बार खाते थे, और आपकी कैलोरीज थी कुल मिला के मान लो 1400, तो अब आपको 3 बार खाने के बदले एक बार खाना है। लेकिन कैलोरीज कम नहीं करनी है, आपको 1400 कैलोरीज ही खानी है। इसका मतलब सबको 1400 नहीं खानी है, जो 1000 पे था, जो 1200 पे था, जो 2000 पे था, जिसकी जैसी कैलोरीज। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में जाके तलवारों से उसे चीर दें, आइए इसके कुछ बेनिफिट्स जान लें। नंबर 1, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16:8 या 18:6 मेथड से ज़्यादा फैट लूज़ होता है, और ये प्रूव्ड है, तो सवाल मत उठाइएगा। फायदा नंबर 2, इसमें ऑटोफेजी बढ़ जाती है। ऑटोफेजी क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए देखना ज़रूर, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑटोफेजी मतलब बॉडी खुद को चुस्त दुरुस्त, नया और बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा लेती है। लंबे समय तक आप कुछ खाते नहीं हैं तो आपकी भूख बहुत घट जाती है, तो ये फायदा नंबर 3 है। अगर आप प्री डायबिटिक टाइप के लोग हैं या आपको थायराइड की बीमारी है, तो ये वैसी चीज़ों को घटा देता है, क्योंकि आपकी हंगर ही घट जाती है। बेनिफिट नंबर 4, दिमाग ज़्यादा क्लियर रहता है। जब हम भूखे रहते हैं तो हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं, जिसका मतलब हमारा दिमाग ज़्यादा क्लियर होता है, और हम ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक इस मोड में रहेंगे। 5वां बेनिफिट, हमारा डाइजेशन लगभग 6 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लंबे समय तक आराम मिलता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को। अब बाकी जानवरों के मुकाबले इंसान डेवलप क्यों हो पाया? क्योंकि इंसान जो है वो डाइजेशन सिस्टम के मायाजाल में फंसा नहीं है। इंसान जो है ना खाना पका के खाता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है, और दिन में यदि आप 1 या 2 बार खाएंगे तो डाइजेशन कम टाइम लेगा, बॉडी के दूसरे अंग जैसे कि का डेवलपमेंट हो पाएगा, और आप नॉर्मल गाय भैंस के बदले इंसान बन पाएंगे, समझ रहे ना। यदि आप बकरी हैं और आप पूरे दिन चरते हैं तो घास को पचाने में आपको 24 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं, घास मत खाइएगा। नंबर 6, हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस
बेटर हो जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन रेस्ट किया रहता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही आप कुछ खाना ठूसेंगे वो तुरंत ही उसे पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी में उसे फैला देगा। बड़ी आसानी से हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब करेगा, ना कि जब आप दिन में 16 बार खाएंगे तो खाना मुंह के अंदर से जाएगा और कहीं से निकल जाएगा। आपको पता है कहाँ से निकलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट, सातवां बेनिफिट, इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने आपको शायद चाय मिठाई ये सब खाने के लिए मना किया था, बट इस मील में आप खाने के साथ मिठाई भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब्स की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना भी इसमें कार्ब्स खाइए, क्योंकि दिन में एक ही बार खाना है तो कार्ब्स रेस्ट्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली आप जो चाहें वो खा सकते हैं, बट देन इन्हीं सब की वजह से आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। आइए जानते हैं वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अनलाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें मसल बनाना बहुत मुश्किल है। मेंटेनेंस के लिए चलेगा, जो मतलब यदि आप बॉडी नहीं बनाना चाहते, जो आपकी नॉर्मल बॉडी है जिससे आप खुश हैं, तो इट्स गुड। नंबर दो, जैसे कि मैंने कहा था, यदि आपकी 2000 या 3000 कैलोरीज की डाइट है, अगर कम भी है तो सोचिए दिन का पूरा खाना आपको एक बार में खाना है। सोच के पेट में दर्द हो गया। इसी से आता है पॉइंट नंबर तीन, तो आपको हो जाएगी ब्लोटिंग, मतलब पेट आपका जाएगा फूल गुब्बारे की तरह, तो ये भी एक दर्दनाक एहसास हो सकता है। खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा बेकार है जिनको दिन में एटलीस्ट 3 बार खाने की आदत है, उनको बार बार हंगर प्रैंक्स भी लगेंगे। तो यही है हमारा चौथा डिसएडवांटेज, कि जिनको बार बार खाने की तलब लगती है वो सिर्फ एक बार कैसे खाएंगे। पांचवा प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार खाना है और आप कुछ भी खाने के लिए अलाउड है, तो यदि आपने सही डाइट नहीं ली, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ लेने हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 36 पकवान पका के एक साथ रखे खाने के लिए। आप वही 2-3 चीज़ ही खाएंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे, जिसकी वजह से बहुत पॉसिबल है कि आपका शरीर सारे न्यूट्रिशन ना ले पाए। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही नॉर्मल डाइट में ही कम रहते हैं, सिर्फ एक ही बार खाने की वजह से देयर इज अ चांस दैट आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाए। लास्ट पॉइंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यदि आप लॉन्ग टर्म में ओमैड करते हैं लगातार साल दो साल या उससे भी ज़्यादा लंबा, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ दिन में एक ही बार खाना है, तो आपकी बॉडी फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी, मतलब कम तेल डालेंगे और एवरेज ज़्यादा मिलेगी, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 80-90 किलोमीटर चल जाएगी। ये वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल के हिसाब से जैसे लोग बताते हैं, इसको कहते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म, समझ रहे ना, ज़्यादा आउटपुट देना बुरी बात हो चुकी है, पता नहीं क्यों, किसी ज़माने में ये अच्छी बात हुआ करती थी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ओमैड आप हर रोज़ नहीं कर सकते, ना सिर्फ इसको करना मुश्किल है, इसके इफ़ेक्ट्स भी लॉन्ग रन में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ओमैड्स के बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा हैं, पर ये इतने ज़्यादा नहीं है, इतने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप रोज़ ओमैड ही करें। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए नॉर्मल, और 3 दिन के बाद जो चौथा दिन है उसमें आप कीजिए ओमैड, मतलब हफ्ते में कुल मिला के 2 बार ओमैड कीजिए। अब इससे ये होगा कि आप जो अपने शेड्यूल कर रहे थे उसमें आपको ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट भी ले लेंगे, ओमैड के भी बेनिफिट ले लेंगे, और आपकी बॉडी को जो वो प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए जो झटका चाहिए था वो बीच बीच में ओमैड देता रहेगा, कि जो ऐसे नॉर्मल ग्राफ चल रहा है उसमें ओमैड आ गया तो झटका मिल गया, वो आपको मिल जाएगा। बॉडी को शॉक करने का एक और तरीका है, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसको कैसे करते हैं,
ये टॉपिक होगा अगले हफ्ते का। तो बड़ा सा थम्स अप देके दे दीजिए विदाई। मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए। बैकग्राउंड में यदि बहुत सारी नॉइज हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, मुश्किल है ऑडियो से बचना। यदि आपको ये लग रहा है कि मैं नहा के नहीं आया हूँ तो आपको बिल्कुल सच लग रहा है, झूठ लग रहा है। झूठ है ये, मैं आया था नहा के। आशा है आपको ये बैकग्राउंड काफ़ी पसंद आया होगा। ये बैकग्राउंड मैंने सजाया है, ये ऐसा था नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल बकवास सा बैकग्राउंड था। इसमें बेहतरीन लकड़ी की डिज़ाइन और ये घास देख रहे हैं आप, ये स्पेशल मैंने फ्रांस से मंगवाया है। फ्रांस से मंगाई हुई घास है ये, और ये रेत सहारा डेजर्ट। कभी भी आपने ऐसा सुंदर बैकग्राउंड नहीं देखा होगा। देखा क्या? तुम क्या हंस रहे यार?